नमस्कार। देखिए एक्सरसाइज 7.4 में क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर के 23 तक जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी को सॉल्व करने के लिए और जितने भी क्वेश्चंस हमें दिखेंगे सभी क्वेश्चंस में हमें एक स्पेशल टाइप की वर्किंग करनी है और वो वर्किंग क्या रहेगी आपने इस वीडियो में वर्किंग मेथड सीखा है या फिर नहीं देखा हो तो आप एक बार इसको जरूर देखिएगा तो आपको इसके सॉल्यूशंस करने का स्टेप बाय स्टेप वर्किंग मेथड मालूम पड़ जाएगी। तो देखिए सबसे पहला काम क्या रहता है कि हमारे पास जो भी फंक्शंस आएगा हम इसको पहचानेंगे किस टाइप का है। तो ये दिख जाएगा कि यह 1/√ के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। 1/√ के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस यदि मिलेगा तो इसमें सबसे पहले क्या करना है कि अरेंज करेंगे इसको ax2 + bx + c के फॉर्म में, ये अरेंज है। फिर दूसरा काम क्या रहता है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट हमें पॉजिटिव रखना है और 1 रखना है, तो ये भी पहले से ही अरेंज है। फिर इसके बाद की वर्किंग क्या है कि जो मिडिल टर्म में 2x या जो भी लिखा रहेगा इस मिडिल टर्म के कोफिशियंट को हमें 2 से डिवाइड करना है। तो इसके कोफिशियंट में 2 लिखा हुआ है, 2 को यदि हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। अब जितनी वैल्यू आती है उस वैल्यू का स्क्वायर करके इसी के साथ प्लस करना है और इसी के साथ माइनस करना है। तो जो वैल्यू हमारे पास आएगी जिसको हम इसके साथ लिखना चाहते हैं उसको लिखने का तरीका क्या रहेगा कि 1 का स्क्वायर प्लस वाला जस्ट इसके बाद लिखेंगे और जो माइनस वाला आएगा वो आखिरी में लिखेंगे। मतलब यहां हम इसको कन्वर्ट करके लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 1 ऊपर रहेगा नीचे इधर एक्स स्क्वायर रहेगा प्लस में इधर 2x ही रहेगा। हमने निकाला है 1 स्क्वायर तो 1 स्क्वायर इसके साथ प्लस करके लिख देंगे 1 स्क्वायर। यहाँ प्लस का 2 लिखा है प्लस का 2 आएगा। फिर यदि हमने 1 स्क्वायर किया है मन से तो इसको माइनस भी करेंगे जिससे ये 1 स्क्वायर कट आउट हो करके इसी तरह का हमारा क्वेश्चन रहे। ये 1 स्क्वायर अभी इस क्वेश्चन के लिए मिला कहाँ से है, इस 2x के कोफिशियंट को 2 से डिवाइड करने के बाद। इस 2x में कोफिशियंट जो 2 लिखा है इसको यदि हम 2 से डिवाइड करेंगे कटेगा 1 आएगा। अदर क्वेश्चंस में यहां पर जो भी रहेगा उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे उसका स्क्वायर करेंगे यहां प्लस और माइनस करेंगे। तो देखिए होगा क्या फिर आगे कि ये जो लिखा हुआ है x2 + 2x + 1 ये एक प्रकार की आइडेंटिटी बन जाएगी x2 + 2ab + b2। मतलब यहां पर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर बनेगा। इसका सिंप्लीफाई करके यहां पर इसकी वैल्यू लिखेंगे मतलब मिलेगा हमें i = 1/√ में आएगा यहां पर रूट के अंदर ये आइडेंटिटी बन चुका है तो x + 1 इसमें लग जाएगा स्क्वायर। ये 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा और 1 को 2 से माइनस कर देंगे तो प्लस का 1 आएगा इधर dx ही रहेगा। अब यहां x + 1 का होल स्क्वायर + 1 अब ये आइडेंटिटी के जैसा दिख रहा है। इस x + 1 को रिप्लेस कर दे t के फॉर्म में तो इधर बनेगा पुट x + 1 = t तो इधर dx = dt। ये वैल्यू यहां पर लिखे हैं तो i = ∫1 में रहेगा रूट के अंदर ये बन जाएगा टी का स्क्वायर प्लस 1 है तो 1 को 1 स्क्वायर लिख सकते हैं इधर dt आ जाएगा। अब इसमें आइडेंटिटी लग रही है 1/√ में x² + a² तो उसको लिख दें एक बार आइडेंटिटी को तो 1/√ में x² + a² dx यह = में होता है log के बाद आएगा यहां पर x + √ के अंदर जो लिखा हुआ है वही आता है। अब आप इस आइडेंटिटी का यहां पर अप्लाई कर दीजिए तो बन जाएगा सॉल्यूशंस i = इधर इसमें log के फॉर्म में ये कन्वर्ट होगा और बन जाएगा इधर t + √ के अंदर t² + 1 + c। अब आप t के प्लेस में वैल्यू डाल दीजिए क्या है x + 1 तो इधर i = log इधर बन जाएगा x + 1 + √ के अंदर इसके प्लेस में आएगा x + 1 का स्क्वायर + 1 + c। अब आप जो भी क्वेश्चंस 10 के बाद जितने भी क्वेश्चंस है सभी को सॉल्व करने पर कभी हमारे पास इस तरह का वैल्यू मिलता है रूट के अंदर तो रूट के अंदर सिंप्लीफाई करके हम लिखेंगे तो हमें यही मिलेगा जो पहले लिखा हुआ था। ये
इधर बन जाएगा, इधर x प्लस वन प्लस रूट के अंदर यहां पर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू और प्लस का c, यह इसका आंसर हो जाएगा। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 लिखा हुआ है 1/9x² प्लस 6x + 5। इसमें ये किस फॉर्म का क्वेश्चन है, यह 1/ में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस विदाउट रूट का। तो इसको भी इंटीग्रेट करने के लिए सबसे पहले इसको इस तरह से फैक्टर करेंगे जिससे ये फॉर्मूले के अप्लाई जैसा बन जाए। मतलब कहने का कि यहां हम इसमें वर्किंग मेथड क्या है, सबसे पहले इसको ax² + bx + c के फॉर्म में अरेंज करेंगे, अरेंज है ये। फिर दूसरी वर्किंग क्या है कि इस पूरे में से जो x² का कोएफिशिएंट है वह 1 रखना है। तो इसको 1 बनाने के लिए इसमें से 9 को कॉमन करेंगे, मतलब i = 1/ में इधर देखिए यहां पर इस 9 को बाहर ले लेंगे तो इसके प्लेस पे बचेगा केवल x² + 6x लिखा हुआ है। तो इससे हम 9 बाहर निकालना चाहते हैं तो यहां पर 6/9 होगा x प्लस, इसमें से भी हम 9 को बाहर निकालना चाहते हैं तो इधर 5/9 आ जाएगा, इधर ये dx ही रहेगा। अब इसके बाद इस 9 को 1/9 को पूरी तरह से बाहर ले लें तो i = 1/9 बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन के अंदर 1/ में इधर जो लिखा हुआ है तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए क्या करना है कि यहां पर वर्किंग मेथड कौन सी, वो जो हमें स्टेप याद है कि सबसे पहले इस x का जो भी कोफिशियंट लिखा है इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करने के बाद यहां पर जो भी वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर करके प्लस और माइनस करेंगे। तो यहां पर देखिए 6/9 लिखा हुआ है तो 6/9 को 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करने का मतलब है यहां पर इसको इस तरह से डिवाइड करेंगे तो ये इसको कट कर देगा, 3 आएगा। और यदि हम 3 को और 9 के साथ यदि कट करके लिखना चाहे तो इसको हम कैंसिल आउट करके यहां पर लिख सकते हैं, या फिर हम इसका डायरेक्ट स्क्वायर करके लिखना चाहे तो भी लिख सकते हैं। हम इसको कट कर दे रहे हैं, इधर आएगा 1/3, मतलब इसमें जो हमारी तरफ से वर्किंग होगी वो क्या रहेगी कि 1/3, जो ये 1/3 आया है इस 1/3 का स्क्वायर, 1/3 का स्क्वायर करके यहां इसके साथ प्लस करना है और इसी में माइनस करना है। मतलब कहने का इधर बन जाएगा, इधर बनेगा ये तो x² ही रहेगा, प्लस में जो लिखा हुआ है इसको हम कैंसिल आउट कर दें 6/9 को तो यह 3 से कैंसिल हो जाएगा तो 2/3 आएगा। फिर इधर x रहेगा, अब इसको 2 से डिवाइड करने के बाद इसका स्क्वायर करने के बाद जो वैल्यू आई है वो 1/3 है तो 1/3 का स्क्वायर यहां पर लिखेंगे 1/3 का स्क्वायर, प्लस में इधर लिखा हुआ है 5/9, इसको हमने हमारी तरफ से ऐड किया है तो इसको फिर माइनस भी करेंगे 1/3 का स्क्वायर dx। यहां इसको लेकर के चलेंगे तो आइडेंटिटी बन जाएगी a प्लस बी होल स्क्वायर, तो ये a मतलब x, b मतलब 1/3, तो बनेगा 1/9 इंटीग्रेशन ऑफ 1/k में इधर आइडेंटिटी बनेगी x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 5/9 माइनस 1/3 का स्क्वायर, देखिए 1/3 का स्क्वायर 1/9 बन जाएगा, मतलब यहाँ पर 5/9 माइनस 1/9 और एलसीएम तो 9 ही आएगा, 5 और 1 इधर इस टाइप से आएगा, 5 में 1 जाएगा तो 4 आएगा, मतलब यहाँ पर बनेगा प्लस में 4/9 dx। अब इसमें x प्लस 1/3, इसको t लेकर के इसको हटा देंगे यहाँ से और इसको स्क्वायरिंग के फॉर्म में लिख देंगे, मतलब यहाँ हम इसमें बनाएंगे पुट x प्लस 1/3 = t, इधर इसका डेरिवेटिव dx आ जाएगा और = में केवल dt ही रहेगा तो इधर dt लिखा जाएगा। अब ये वैल्यू इसमें डालेंगे तो बन जाएगा ये i = में इधर देखिए 1k/1 इधर 1/9 बाहर पहले से लिखा हुआ है तो इसको भी लिखेंगे, यहाँ 1k/1 में इसके प्लेस में आ जाएगा t, इसमें लगा हुआ है स्क्वायर और इधर 4/9 है तो इसको हम स्क्वायरिंग के फॉर्म में लिख सकते हैं 2/3 का स्क्वायर, इधर dt आ जाएगा। इसमें आइडेंटिटी कौन सी लग रही है, 1/x² + a²
तो आइडेंटिटी यहाँ पर यूज हो रही है 1/x² + a² dx, यह इज इक्वल टू में होता है 1/a tan inverse x / a + c। तो ये आइडेंटिटी इसमें जब अप्लाई करेंगे तो i इज इक्वल टू 1/9 पहले से है इनटू में 1/a आता है, तो 1/a, a मतलब इधर 2/3 है, फिर इधर tan इनवर्स x, x मतलब यहां पर t अपॉन में a, a मतलब 2/3 प्लस में c, ये 2/3 में से 3 ऊपर पहुंच जाएगा तो i इज इक्वल टू बन जाएगा 3 अपॉन में इधर 9 × 2, तो 9 × 2 ही रहेगा, और यहां पर tan इनवर्स ये 3 ऊपर पहुंच जाएगा और इस t के प्लेस में वैल्यू लिखी जाएगी x + 1/3, तो इधर आएगा x + 1/3 और डिवाइड में रहेगा 2 + c। ये देखिए यहाँ पर इसको कैंसिल कर देगा, 3 × 3 = 9, i इज इक्वल टू 1/3, 2 = 6, और इधर रहेगा tan इनवर्स, इधर देखिए इसका सिंप्लीफाई करेंगे 3 तो 3 रहेगा, इधर x + 1/3 को ऐड करेंगे तो 3x + 1/3 आएगा, होल डिवाइड में 2 रहेगा प्लस का c इधर लिखा जाएगा। इस 3 से इस 3 को हटा देंगे तो फाइनल आंसर तैयार होगा 1/6 tan inverse, इधर 3x + 1 2 और कांस्टेंट वैल्यू, यह इसका आंसर होगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो जाएगा। अब इसी तरह से आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में।